क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? अगर आप लोगों को अभी तक यह बात नहीं पता है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है। इसके लिए आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत का सबसे पुराना शहर वाराणसी है और उत्तर प्रदेश में स्थित इस प्रसिद्ध शहर को बनारस और काशी भी कहा जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि इसे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इस शहर को पवित्र मानते हैं। वाराणसी भारत का सबसे पुराना बसा शहर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे प्राचीन बसे शहरों में से एक है। इस पवित्र शहर में भारत के कई दार्शनिक, लेखक और कवि रहे हैं, जिनमें कबीर, रविदास, स्वामी रामानंद, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद इत्यादि उल्लेखनीय हैं। और इसी शहर में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। यह शहर हमेशा से ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ चार बड़े विश्वविद्यालय स्थित है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। बनारस का पुराना शहर भीड़ भाड़ वाली संकरी गलियों, सैकड़ों हिंदू मंदिरों और ढेरों दुकानों वाला शहर है। प्राचीन संस्कृति से समृद्ध यह शहर विदेशी पर्यटकों में खास लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का नाम यहाँ की दो स्थानीय नदी वरुणा और असी के नामों से मिलकर वाराणसी बना है। ये दोनों नदियाँ गंगा नदी में आकर मिलती है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसलिए यहाँ हर साल 10 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं, जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ गंगा नदी में भी स्नान करते हैं। और यहाँ पर 100 से ज्यादा घाटे मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर जैसे प्रमुख मंदिर भी है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस पवित्र शहर में जरूर जाइए। उम्मीद है भारत का प्राचीन शहर और पवित्र तीर्थ स्थलों की नगरी वाराणसी से जुड़ी यह जानकारी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।